जी हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक GDS ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर पाओगे। पर उसके पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि ये भर्ती निकाली गई है 10,066 पदों के लिए, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, सभी को इसी वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को भरना होगा। तो चलिए अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये फॉर्म भर पाओगे। पर दोस्तों उसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को बताइए कि इसके अंदर भर्ती निकाली गई है, ताकि वो लोग भी इसका ये फॉर्म फिलअप कर पाए, क्योंकि ये भर्ती 10वीं पास के लिए निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता ही देता हूं कि कैसे आप ये फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाने के बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और जैसे ये ओपन होगी तो आपको यहां पर स्टेज वन के सामने जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हो। अब जो आपको जानकारी भरनी है वो आप यहां से देख लीजिए। सबसे पहले है एप्लीकेंट नेम, यहां पर आपको अपना नाम देना होगा और ये नाम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा, यानी कि जो नाम आपका मैट्रिकुलेशन की जो आपकी मार्कशीट है उसके अंदर लिखा गया है एग्जैक्ट नेम आपको यहां पर लिख देना है। अब आता है फादर नेम, फादर नेम भी आपको अपना 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देना होगा। जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में आपके फादर का लिखा गया है वही नाम आपको यहां पर भर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद पहले आपको यहां से अपना जो बर्थ ईयर है वो चूज करना है, फिर यहां से आपका जो भी बर्थ ईयर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस ईयर में भी आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको बर्थ डे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। अब आता है जेंडर, तो यहाँ से आप मेल हो या फीमेल हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कम्युनिटी, आपकी कैटेगरी क्या है, कम्युनिटी क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको बता दूँ कि SC ST को कोई फीस नहीं देनी है अप्लाई करने के लिए, पर OBC कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। तो यहाँ पर मैं OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं OBC सिलेक्ट करता हूँ या फिर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, उसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी, और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर वेदर बिलोंग टू EWS, क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर आप विकलांग हो तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट PWD कैटेगरी, अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हो तो आपको अपनी जो भी विकलांगता की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होगी। फिर सिलेक्ट PWD सब कैटेगरी, आपकी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ से चूज करनी होगी। अब आप यहाँ पर नीचे देखिए, कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द फॉलोइंग सर्कल फॉर द स्टेट मैंसन फॉर द रिमेनिंग स्टेट सर्कल नेम्स विल बी रेस्पेक्टिव स्टेट नेम्स, यानी कि जिस सर्कल के लिए जो भर्ती निकाली गई है वो तो उस सर्कल में अप्लाई कर ही पाएंगे, पर जो अलग स्टेट से है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड यनम, नॉर्थ ईस्टर्न, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात में गुजरात, दमन एंड दीव, केरला में केरला, आइसलैंड, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु में तमिलनाडु, पुंडिचेरी, और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कल इन विच 10th क्लास पास्ट, आपने किस सर्कल से अपनी 10वीं पास कंप्लीट की है, तो जितनी भी यहाँ पर स्टेट दी गई है उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस सर्कल से अपनी 10th पास की है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की है, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी, आपको फिर से नीचे आना है, बोर्ड इन विच 10th क्लास पास्ट, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं पास कंप्लीट की है, तो यहां पर मैंने जो UP बोर्ड है उससे की है, मैं यहां पर सबसे ऊपर का ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आता है ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी 10th पास कंप्लीट की थी, आपको वो ईयर यहां से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से मैं 2012 सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद आता है अपलोड फोटो, पर उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज है वो आपका 50 KB के साथ होना चाहिए, यानी कि 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
या फिर अप टू यानी कि 50 KB से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPG के अंदर होना चाहिए। अगर PNG में होगा तो आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट पहले ही किया है। और जो डायमेंशन है वो 200 से 230 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको भी इसी तरह से क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है इमेज की, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा और आपका भी इमेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब आता है सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो सिग्नेचर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड दिया है, ये कैप्चर कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जो भी कैप्चर कोड आप यहाँ पर देखोगे वो आपको भरना होगा, सभी के वक्त अलग अलग होगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हमारे वाले में ये कैप्चर कोड नहीं था। इसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इसको आपको आई हैव डीड ये आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद आपको नीचे आई हैव क्लिक्ड द प्रीव्यू बटन, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। और सबमिट डिटेल पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उसको एक बार आप बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर ले कि कहीं पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक तो नहीं है, आपका मोबाइल नंबर तो गलत नहीं है, आपका जो नेम है वो तो गलत नहीं है, आपकी कैटेगरी तो गलत नहीं है, आपको जो आपने यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट किया है, ईयर सिलेक्ट किया है, वो आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है। क्योंकि यहां पर दिया है वन कैंडिडेट शुड यूज ओनली वन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक कैंडिडेट को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। कभी फिर आप ये रजिस्ट्रेशन गलत कर दो उसके बाद आप मुझसे कमेंट में पूछो कि सर हमारे में गलती हो गई और अब हम एडिट भी नहीं कर पा रहे तो अब हम क्या करें, तो उस वक्त मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होगा जो कि लीगल जवाब नहीं होगा। पर अनऑफिशियल तरीके से तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते अपनी इन्फॉर्मेशन से तब तक आप सबमिट डिटेल पर क्लिक ना करें। तो जो मैंने जानकारी भरी है वो सही है। अब मैं यहाँ पर सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो चलिए आप भी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी होगी, आपका नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी है वो सभी जानकारी आप यहां पर देखोगे। इसके अलावा आप यहां पर नीचे देखोगे कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस भी जमा करनी है। नीचे आप जो जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन की है प्रिंट पर क्लिक करके उसको प्रिंट भी कर सकते हो। और अगर आप ये फॉर्म फिलअप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये जानकारी आपके पास इमेज के रूप में सेव हो जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, पर एक और बात जान लीजिए कि जो अभी यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जो अभी मोबाइल नंबर आपने यूज किया है उस पर पहुँच गया होगा। और साथ ही एक बात ये भी है कि जिन लोगों ने अभी जो भर्ती निकाली थी अभी पीछे झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सर्कल के लिए उसमें अप्लाई किया था और वहां पर जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी डिटेल से इसमें लॉगिन हो सकते हैं क्योंकि एक नंबर से सिर्फ एक ही बार आप अकाउंट बना सकते हो। तो अगर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो नई तरीके से तो आपको वहां पर नंबर चेंज करना होगा क्योंकि एक मोबाइल नंबर से यहां पर एक रजिस्ट्रेशन ही अलाउड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों के इस बारे में फिर बाद में सवाल आते हैं कमेंट में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों आप फिर से होम पेज पर जाइए और होम पेज पर जाने के बाद आपको स्टेज टू है फी पेमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर फिलअप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद आप जैसे ही बाहर की तरफ क्लिक करोगे तो वेबसाइट रिफ्रेस होगी और यहां पर आपका मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर, फिर नेम, कम्युनिटी और अमाउंट फीस का आ जाएगा। अभी नेटवर्क स्लो की वजह से या फिर वेबसाइट का सर्वर स्लो होने की वजह से जो बाकी की डिटेल है वो यहां पर नहीं आई है, पर आपकी जानकारी यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये नंबर भरने के बाद फिर यहां पर आप बाहर क्लिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप
जो पेमेंट का पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, और वहाँ से आप जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, या फिर UPI हो, आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि जो अभी मैं एप्लीकेशन फ़ी जमा करूँगा वो मेरी वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ, मैं पर्सनली जो जानकारी भर रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं भर रहा। पर मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद आपके जो पेज आएगा वो सिंपल सा आएगा, जैसा कि आपने अदर फॉर्म फिलअप किए होंगे इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा। पर अगर आपको फीस जमा करने में इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपका जो सवाल है उसका आंसर दे सकूं। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाए आपको फिर से होम पेज के ऊपर आना है, और जैसे ही आप होम पेज पर आ जाओगे तो यहां पर अब आपको Stage 3 अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ से बिहार चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो कि इस प्रकार का होगा। यहाँ पर है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया था उसके ऊपर एक OTP भेजा गया है, और वो OTP आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर वो OTP फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों, मुझे OTP मिल गया है और मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। दोस्तों, यहां पर कुछ जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए अब आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। जो भी आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है वही आपको यहां पर फिलअप करनी है, जिसका पासवर्ड आपको याद ना हो वो ईमेल आईडी आप यहां पर ना भरे। अब आता है प्रजेंट ऑक्यूपेशन, अभी आप प्रजेंट में क्या वर्क कर रहे हो। अगर आप नॉन एम्प्लॉयड हो तो आप यहां पर नॉन एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो मैं यहां पर EMPLOY नॉन एम्प्लॉयड लिख देता हूँ, यानी कि अभी मैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा। अब आता है कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हो, तो यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है, तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। उसके बाद आता है वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, क्या जो एम्प्लॉयर है उसकी NOC अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले डोर हाउस अपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर आपको अपने डोर या फिर हाउस या जो अपार्टमेंट नंबर है उसका नंबर देना होगा। इसके बाद स्ट्रीट, आपकी स्ट्रीट क्या है यानी कि सड़क कौन सी है उसके बारे में आपको देना होगा, नियर बाई। फिर आता है सिटी विलेज, यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम या फिर सिटी का नाम लिख देना है। अब आता है पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर मंडल या पंचायत कौन सा है, तो मेरा सहारनपुर, मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। आपको अपनी एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है इस साइड में परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है, और अगर अलग अलग है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के अंदर क्या अंतर होता है। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस होता है जहां पर आपने जन्म लिया हो। तो अगर जहां पर आपने जन्म लिया है अभी भी आप वहीं रह रहे हो तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोनों जगह पर सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, यहां पर आप देखोगे मार्क्स का सेक्शन, अब आपको सिलेक्ट स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की थी, ये हमने जब भी सिलेक्ट कर लिया था जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो यहां पर मैंने बिहार सिलेक्ट करके रखा है। अब आता है सिलेक्ट बोर्ड, किस बोर्ड से आपने की है उसका नाम यहां पर आपको चूज करना होगा, देखना होगा कि जो आपका बोर्ड है वो 700 मार्क्स वाला था या फिर 900 या फिर 500 या फिर 800, तो यहां पर मैं 500 वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। आपका जो भी है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यूपी बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड से है तो आपको उसी के अनुसार यहां पर भरना होगा। अब आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, आपका रिजल्ट था वो मार्क्स में था तो यहां पर आपको मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मार्क्स सिलेक्ट कर लोगे तो यहां पर आपके कुछ सब्जेक्ट आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट 1 आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, अब आता है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, पर उसके सामने लिखा गया है नॉट इंक्लूडेड फॉर मेरिट, यानी कि ये सब्जेक्ट मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके सामने आपको मार्क्स लिख देना है, फिर आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखने हैं, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, और इसके अलावा आपको एक अतिरिक्त सब्जेक्ट भी यहाँ से चूज कर लेना है, चाहे हिंदी, चाहे अरेबिक, चाहे भोजपुरी, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और
करने के बाद आपको उसके मार्क्स भी यहाँ पर लिख देना है। और जैसे आप मार्क्स लिख दोगे तो यहाँ पर आपके जो टोटल सब्जेक्ट मार्क है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, और कितने मार्क्स आपको उसमें से प्राप्त हुए आपके भरे गए मार्क्स के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर है ये फिलअप कर देना है, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मैंसन होगा। उसके नीचे है वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, क्या आप कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के अंदर पास हुए हो, अगर हुए हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। यानी कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही पास हो गया था, इसलिए आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद जितनी भी जानकारी भी आपने यहाँ पर फिलअप की है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आई हैव क्लिक्ड प्रीव्यू बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और चाहे तो आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हो। जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हो तो जैसे कि अभी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आप नीचे अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो और जान सकते हो कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर आपको लगता है कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एक बार और पूछा जाएगा कि क्या आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करना चाहता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, अब आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके कर दोगे तो इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने आ जाएगा आपका अगला सेक्शन जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसका जो साइज है वो 200 KB से कम होना चाहिए, 200 KB। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ पर भी आपकी जो फाइल है वो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको वो अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फॉर्म में अपनी जो ओरिजिनल जानकारी है वो फिलअप नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट करोगे तो उसका इमेज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर ये रैंडम इमेज देख पा रहे हो। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो 1 और सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो 2। ये आप लोगों को खाली छोड़ देना है, ये उन लोगों को यूज करना है जिन लोगों के कंपार्टमेंट आई थी। अब आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप देखोगे अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको 60 डेज का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट था उन लोगों को ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही अगर आपने कोई बड़ी क्वालिफिकेशन किया जैसे कि 12वीं BCA जिसमें आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आप तब भी वो सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास 60 डेज का सर्टिफिकेट न हो तो। अब आता है अपलोड योर कास्ट EWS सर्टिफिकेट। यहां पर अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहां पर मैं फिर से चूज फाइल पर क्लिक करता हूं और ये रैंडम इमेज अपलोड कर देता हूं, पर आपको यहां पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको जो नीचे दिए हैं इन सभी पर राइट क्लिक कर देना है, और अगर आप इनको रीड करके राइट क्लिक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इसके बाद आपने जो जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा चूज प्रेफरेंस, यानी कि किसे आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो। पहला है ऑप्शन 1 सिलेक्ट डिवीजन, यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने बिहार स्टेट सिलेक्ट की है तो यहाँ पर आपकी जो भी पास की डिवीजन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे आप डिवीजन सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट को आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन 2 सिलेक्ट डिवीजन, अपनी दूसरी डिवीजन आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी, यहाँ से आपको दूसरे में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको ऑप्शन 3 सिलेक्ट डिवीजन सिलेक्ट करनी है, जो भी आप करना चाहते हो। अब इसके बाद आपको जो तीसरे की डिवीजन है उसमें आप अपना मनपसंद पोस्ट ऑफिस यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको ऑप्शन 4 सिलेक्ट डिवीजन में फिर से एक नई जो आपकी डिवीजन है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी और फिर से आपको यहाँ पर एक नया जो पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है ऑप्शन 5 सिलेक्ट डिवीजन, ये आपको अपनी 5वीं प्रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, और फिर उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मैंने यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर ली है, आपको भी अपनी मनपसंद से जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो कर लेना है। अब उसके बाद आपको ये करने के बाद सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो आता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा फॉर्म सक्सेस
सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। और जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आप अपने फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी देख सकते हो, और नीचे आप आओगे तो प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में, जो भर्ती 10,066 पदों के लिए निकाली गई है अलग अलग स्टेट के अंदर, जैसे कि असम, आपका पंजाब और कर्नाटका और गुजरात, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। आपने वीडियो को शुरुआत में देखा ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।